नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। क्रिकेट का रोमांच इस समय हर जगह बना हुआ है। भारत में वुमेन्स प्रीमियर लीग खेली जा रही है, वहीं अब से कुछ ही दिनों में दुनिया की सबसे बड़ी लीग इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत भी होने वाली है। पहला मैच 31 मार्च को गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। आईपीएल को शुरू होने में अभी कुछ दिन है, ऐसे में आइए जानते हैं आईपीएल के कुछ ऐसे रिकॉर्ड जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले इस लिस्ट में जो रिकॉर्ड है वह आईपीएल के इतिहास के सबसे धाकड़ बल्लेबाज ने बनाया है। यह रिकॉर्ड है एक ओवर में 37 रन का, जो सबसे पहले गेल ने आरसीबी से खेलते हुए 2011 में कोची टस्कर के खिलाफ बनाया था, जिसमें गेंदबाज प्रशांत परमेश्वर थे। इस ओवर में गेल ने 4 छक्के और 3 चौके लगाए थे, जबकि एक नो बॉल थी। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी 2021 में आरसीबी के गेंदबाज हर्षर पटेल के खिलाफ 37 रन ठोके थे। इसके बाद इस लिस्ट में जो दूसरा रिकॉर्ड है वो केकेआर टीम के नाम है। कोलकाता नाइट राइडर्स के नाम आईपीएल में लगातार 10 मैच जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है, जो गौतम गंभीर की टीम ने 2014 से 2015 में बनाया था। आईपीएल 14 में गंभीर की टीम शुरुआत के 7 मैच में सिर्फ 2 मैच में जीत हासिल कर पाई थी, लेकिन इसके बाद वापसी करते हुए लीग के बचे 7 मैच जीते और फिर फाइनल जीतकर दूसरी बार खिताब अपने नाम किया था। इस तरह आईपीएल 14 सीजन में कुल 9 मुकाबले जीता और फिर 2015 आईपीएल सीजन का पहला मैच जीतकर लगातार 10 मैच जीतने का रिकॉर्ड केकेआर ने बनाया था। इसके बाद एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड जो विराट कोहली के नाम है। साल 2016 आईपीएल में विराट कोहली का सबसे तूफानी फॉर्म देखने को मिला था। इस सीजन विराट ने 14 पारियों में 81.8 की औसत से 973 रन बनाए थे, जिसमें 4 शतक और 6 अर्धशतक देखने को मिले थे। इस सीजन में विराट ने 38 छक्के और 83 चौके भी लगाए थे। विराट के इतने रन बनाने के बाद भी आरसीबी फाइनल में पहुंचने के बाद हार गई थी। इसके बाद इस लिस्ट में जो रिकॉर्ड है वो क्रिस गेल के द्वारा बनाया गया है। आईपीएल के एक इनिंग में सबसे बड़ा निजी स्कोर और आईपीएल के इतिहास का सबसे तेज शतक जो गेल ने साल 2013 में पुणे वॉरियर्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए लगाया था। गेल ने आईपीएल और टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया। गेल ने केवल 30 गेंदों पर पहले शतक पूरा किया, आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक, और फिर उसके बाद कुल 66 गेंदों पर 175 रन की पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 17 छक्के और 13 चौके देखने को मिले थे। इसके साथ आरसीबी ने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर भी कायम किया, जो आज भी अटूट है। गेल की 175 रन की पारी की मदद से आरसीबी ने 20 ओवर में 263 रन का स्कोर खड़ा किया था। 2013 के इस एक ही मैच में 3 बड़े रिकॉर्ड देखने को मिले थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।